साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, जिस गठबंधन को लेकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ लड़ने का दम दिखाया जा रहा था वो गठबंधन खत्म हो चुका है। जी हां, जिस इंडिया अलायंस के दम पर 16 पार्टियां एक साथ आई थी और एनडीए को हराने की बातें कर रही थी वो अलायंस खत्म हो चुका है और इस खबर को खुद संजय राउत की मौजूदगी में कन्फर्म किया गया है। संजय राउत ही नहीं बल्कि प्रकाश अम्बेडकर और नाना पटोले ने भी इंडिया अलायंस के खत्म होने का कन्फर्मेशन दे दिया। तो क्या है पूरी खबर आपको डिटेल में बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दरअसल मुंबई में एमवीए नेताओं की बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी समेत अन्य पार्टी के नेता भी पहुंचे थे। अब जब मीटिंग में सभी नेता अंदर जा रहे थे तो सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा था, मगर मीटिंग खत्म होने के बाद जब बाहर निकले तो सभी नेताओं के चेहरे पर गुस्सा था। संजय राउत हो या फिर प्रकाश अम्बेडकर या फिर नाना पटोले, सभी बेहद नाराज और गुस्से में दिख रहे थे। अब ये सभी नेता मीडिया कर्मियों से बचकर निकलने की कोशिश कर रहे थे, मगर मीडिया कर्मियों के घेरने के बाद प्रकाश अम्बेडकर के मुँह से सारा सच निकल गया। जी हां, वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने मीडिया के सामने साफ साफ कह दिया कि आज की मीटिंग के आधार पर मैं दावा कर रहा हूं कि अब इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है। प्रकाश अंबेडकर ने मुंबई में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर महाविकास अघाड़ी के नेताओं के साथ मीटिंग के बाद ये बात कहकर सभी को चौंका दिया। मीडिया कर्मियों को लगा कि मीटिंग एमवीए को लेकर थी, मगर यहां तो कहानी कुछ और ही निकली। अब हैरानी की बात यह है कि जब प्रकाश अंबेडकर ये दावा कर रहे थे, मीडिया के सामने इंडिया गठबंधन के खत्म होने की बात कर रहे थे, तब उनके साथ शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत और कांग्रेस के नेता नाना पटोले भी मौजूद थे। हालांकि बाद में संजय राउत ने मामले को संभालने की कोशिश की और सिर्फ इतना ही कहा कि सब कुछ ठीक है, गठबंधन मजबूत रहेगा। लेकिन प्रकाश अंबेडकर नहीं माने और बोले कि सच पर पर्दा डालने का कोई फायदा नहीं है। प्रकाश ने साफ साफ कह दिया कि इंडिया गठबंधन में अब कुछ बचा नहीं है, सब स्वार्थी होकर चलेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा, सबको सिर्फ अपनी पड़ी है, ऐसे में गठबंधन को अब खत्म ही मान लेना चाहिए। हालांकि प्रकाश अंबेडकर ने यहां पर ये भी कहा कि वो महाविकास अघाड़ी का हाल इंडिया अलायंस जैसा नहीं होने देंगे, अगर किसी मुद्दे पर लोगों के ख्यालात नहीं मिलते हैं तब भी हम अलग अलग नहीं होंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में संजय राउत, नाना पटोले के अलावा वीबीए की रेखा ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के जयंत पाटिल और जितेंद्र आह्वान भी मौजूद थे। प्रकाश अंबेडकर ने यहां पर ये भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई इंडिया गठबंधन है ही नहीं, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी सब अलग हो चुके हैं, बची समाजवादी पार्टी और वो भी अब शायद ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। प्रकाश अंबेडकर ने यहाँ पर मीटिंग के बारे में बताया कि गठबंधन में सीटों को लेकर अगले चरण में चर्चा होगी। पहले फेज की चर्चा में लोएस्ट शेयरिंग प्रोग्राम को लेकर बात की गई है। प्रकाश ने यहाँ पर कहा कि अघाड़ी का न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय होने के बाद हम सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के बीच अंबेडकर की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें गठबंधन में शामिल करने के इच्छुक थे, जबकि कांग्रेस और एनसीपी प्रमुख शरद पवार इसके खिलाफ थे, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे ने एमवीए में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को शामिल कर लिया। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन अब राउत की मौजूदगी में प्रकाश अंबेडकर ने दावा ठोक दिया है कि इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है और राउत के मुंह से शब्द तक नहीं निकले। मतलब साफ है कि इंडिया अलायंस खत्म हो चुका है और रही बात एमवीए की तो उसे लेकर भी संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं। अंदर खाने तो खबरें हैं कि एमवीए भी आखिरी सांसें गिन रहा है। भले ही प्रकाश अंबेडकर एमवीए में फूट न पड़ने की बात कह रहे हो, मगर मीडिया से जो खबरें आ रही है वो यही है कि इस मीटिंग के बाद एमवीए को भी खत्म ही मान लेना चाहिए। तो क्या एक बार फिर से उद्धव ठाकरे अकेले पड़ जाएंगे? क्या दोनों ही गठबंधन खत्म होने से उद्धव को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है? क्या करेंगे अकेले उद्धव ठाकरे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।